बिहार की नदियों से हो रहे बालू खनन पर आज यानी 1 जुलाई से लेकर 1 सितंबर तक पाबंदी रहेगी। हालांकि निर्माण कार्य में बालू की आपूर्ति को लेकर खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी जिलों को बालू का बफर स्टॉक रखने का निर्देश जारी किया है। दरअसल बिहार में मॉनसून के आगमन के साथ बालू खनन पर रोक लगा दी जाती है। NGT के आदेश पर हर साल 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक बालू का खनन बंद रहता है। हालांकि बालू की कालाबाजारी पर रोक लगाने को लेकर खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को यह निर्देश दिया है। और मुंगेर जिले में परिवहन विभाग के कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर काम करने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि बिहार राज्य पथ परिवहन विभाग मुंगेर के सरकारी बस स्टैंड का हाल बुरा है। जर्जर भवन में कर्मचारी काम करने को व्यस्त हैं। कर्मचारियों ने जर्जर भवन और बारिश से बचने के लिए छत के नीचे तिरपाल लगाया है, तो वहीं यात्री पड़ाव में जानवरों का तबेला बना है, जिसके कारण यात्रियों के बैठने की जगह नहीं है। बारिश के मौसम में काफ़ी परेशानी हो रही है। कर्मचारियों ने बताया कि बस स्टैंड में पूरी तरीके से गंदगी है, ना तो इसकी सफाई होती है ना इस पर ध्यान दिया जाता है। शेखपुरा जिले के बरबीघा मुख्य बाजार बिहार शरीफ रोड में संचालित परिवहन सेवा केंद्र के मालिक और बड़े ठेकेदार अरविंद सिंह के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। यह घटना शुक्रवार देर रात की है। इसमें स्कॉर्पियो से अपने भाई के साथ जा रहे पेट्रोल पंप के मालिक पर कई चक्र गोलियां दागी गईं। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर एक की गिरफ्तारी हुई है। मामले की जानकारी देते हुए संवेदक अरविंद सिंह ने बताया कि वह देर शाम पटना से लौटे और अपने भाई के साथ स्कॉर्पियो पर सवार होकर घर लौट रहे थे। तभी गांव प्रवेश करने से थोड़ी दूर पर ही बगीचे में छिपे आधा दर्जन बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। मामले में अरविंद सिंह द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें गांव के ही 4 लोगों को नामजद किया गया है। थानाध्यक्ष मनोज झा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की, छापेमारी कर घर में सोए अभय सिंह नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पत्रकार महोदय, हम 7:20 में लगभग 7:20-30 में पटना से निकले थे। लगभग 10:00 में पहुँचे होंगे हम पेट्रोल पंप पर। वहाँ हम आधा घंटा लगभग रुके, आधा घंटा 20 मिनट जो भी हो। उसके बाद भाई आ रहा था, उसी गाड़ी से बैठ के आ रहे थे घर। कोई हम लोग को कोई ऐसा आभास उभास प्रतीत नहीं होता है, कभी भी आते जाते हैं। और जो ही गाँव प्रवेश किए, गाँव के लगभग जब रोड में इन किए, गाँव से 500 मीटर लगभग दूर एक देखे, हमारे गाँव में जाइएगा देखिएगा कि पेड़ पौधा बहुत है। वहीं पर देखा एक गन फायरिंग शुरू हुआ गाड़ी पर सामने से। हाँ, सामने से मतलब दक्षिण साइड से मैंने उधर से आ रहे थे, तो वाई साइड से ठीक है दाहिने को नहीं था। तो फिर कैसे आप लोग बचे? हम आगे सीट पर नहीं थे सर, और हमारा ड्राइवर चालक गाड़ी को लगभग 50 की 100 फीट बैक में ले गया। फिर चक्का गिर गया मट्टी पर, पानी पड़ा हुआ था, फिर गाड़ी रुक गया। फिर हम लोग उसी से भागे, गाड़ी से निकल के भाग गए। कितना लोग हमला गाड़ी में हुई, बैग छोड़ते भागे, सब मोबाइल टोबाइल सब मैंने उनका चार्जर वगैरह, वो 5 की संख्या हम तो 5 हम देखे हैं। इसमें थाना का क्या रिस्पॉन्स रहा पुलिस का? थाना लगभग सर हम जब भागे तो कुछ दूर के बाद हम फ़ोन किए, जब देखे कि हम सामान कोई ऐसा बात नहीं है, मैंने हम बच सकते हैं, तो थोड़ा थाना को नंबर से फ़ोन किए। हमारा फ़ोन के पहले मेरा भाई फ़ोन कर दिया, तो लगभग लगता 20 मिनट में थाना पहुँच गई थी। जब हम थाना की ओर जा रहे थे, उधर से कितना के संख्या में होगा अपराधी? 5 हम लगभग देखे हैं। इसमें प्राथमिकी भी किए हैं? हाँ, प्राथमिकी भी किए हैं। कौन कौन लोग पर नामजद किए हैं? हम दिए हैं नाम सर अभय कुमार और ये रामाश्रय सिंह, सुधांशु कुमार और रामसेवक कुमार, ये लोग गांव के। मधुबनी सदर अस्पताल में कर्मी द्वारा रिश्वतखोरी मामले में DM ने संज्ञान लिया है। अस्पताल कर्मी बासुकीनाथ कुंदन पर मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के एवज में 300 से 500 रुपए की उगाही का आरोप लगा है। कर्मी द्वारा रुपया लिए जाने का वीडियो खुफिया कैमरे में कैद है। रिश्वतखोरी की खबर चलने के बाद DM ने मामले में संज्ञान लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद अगर आरोपों में सत्यता पाई जाएगी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो आया था हमको भी व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए देख रहे थे, वीडियो में जो आरोप लगाया जा रहा था, 500 रुपये जिनसे लिया जाता है उनको रसीद दी जा रही है। कुछ लोगों के द्वारा भी बताया गया 300 रुपये लिए, उनको रसीद नहीं दी गई थी।
तो अभी उसमें जांच टीम हम लोग गठित कर रहे हैं, यहाँ से प्रशासनिक अधिकारियों से जांच कराएंगे और अगर आरोपों में सत्यता रहेगी तो दोषियों के खिलाफ हम लोग सभी कानूनी कार्रवाई करेंगे। जो आयात हमको भी व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए, ये देख रहे थे वीडियो में जो आरोप लगाया जा रहा था, तो 500 रुपये जिनसे लिया जाता है उनको रसीद दी जा रही है, कुछ लोगों के द्वारा भी बताया गया 300 रुपये लिए, उनको रसीद नहीं दी गई थी। तो अभी उसमें जांच टीम हम लोग गठित कर रहे हैं, यहाँ से प्रशासनिक अधिकारियों से जांच कराएंगे और अगर आरोपों में सत्यता रहेगी तो दोषियों के खिलाफ हम लोग सभी कानूनी कार्रवाई करेंगे। नालंदा जिले के पुलिस अकादमी राजगीर में दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया, जहां 2020 बैच के कुल 213 सार्जेंट मेजर को डीजीपी आरएस भट्टी ने शपथ ग्रहण दिलाई। बता दें कि 3 सालों की कठिन प्रशिक्षण दिया गया, जिसके बाद सभी सार्जेंट मेजर को पासिंग आउट परेड आयोजित कर शपथ दिलाई गई। इधर पासिंग आउट में भाग लेने के बाद सभी सार्जेंट मेजर को विभिन्न जिले के पुलिस लाइन में पदस्थापित किया जाएगा। इस दौरान डीजीपी आरएस भट्टी ने पारण परेड में भाग लेने वाले सभी सार्जेंट मेजरों को ईमानदारी पूर्वक कर्तव्यों का निर्वहन करने को कहा। परेड का आगमन अकादमी के परेड ग्राउंड पर हो चुका है, हम सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। औरंगाबाद के दाऊदनगर में महिलाओं ने दाऊदनगर के एक नर्सिंग कॉलेज संचालक और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे संजय मेहता पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए दाऊदनगर थाने में आवेदन दिया है। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि मेहता द्वारा दाऊदनगर में नर्सिंग कॉलेज खोला गया है, जिसमें प्रति छात्र 2 लाख रुपये डोनेशन सिंगरौली नर्सिंग कॉलेज में GNM कोर्स में नामांकन के लिए गए थे, लेकिन कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा देने गए तो प्रवेश पत्र भानुमती नर्सिंग कॉलेज सिद्धि मध्य प्रदेश का दिया गया, जबकि उन लोगों का नामांकन पत्र सिंगरौली नर्सिंग कॉलेज का दिया गया था। आवेदन में क्या कहा गया है कि जब वे लोग भानुमती नर्सिंग कॉलेज गए तो वहां के प्रिंसिपल द्वारा कॉलेज का पहला छात्र बताया गया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अभी मेरा कॉलेज INSSC से मान्यता प्राप्त नहीं है, जबकि छात्रों का कहना है कि संजय मेहता द्वारा बताया गया था कि कॉलेज INSSC से मान्यता प्राप्त है, लेकिन ऐसा नहीं था, जिसके कारण हम लोगों ने परीक्षा नहीं दी और वापस नहीं। और जब इस मामला को जब आप लोग वहाँ पर रखे तो क्या बर्ताव किया गया है? मेरे साथ बहुत गलत किया, हम गए बात की उनसे तो मेरा मोबाइल छीन लिया, हमको साथ मारपीट भी किया और अपने घर से हमको धक्का दे करके निकाल दिया। कब की घटना है? कल की बात है। मोबाइल मिला है कि नहीं? मिला है मोबाइल। आज आप लोग किस समय थाना पहुँचे? अभी थोड़ा देर पहले, आधा घंटा पहले आए हैं। थाना में आप लोगों ने आवेदन दिया? यस। जब हम उनको पास फोन किए तो सर बात अच्छा ढंग से नहीं किए और फिर गाली गलौज, उसके बाद गाली गलौज स्टार्ट कर दी। हम आशा से बात कर रहे हैं, गाली गलौज पूरा कर रहे हैं, धमकी दे रहे थे कैसे करेंगे वैसे करेंगे। संजय मेहता भ्रम की स्थिति में परीक्षा छोड़कर चले आए, शरारती बच्चों के उकसाने पर, मिसगाइड करने पर, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ही मालिक का 4 कॉलेज है और चारों कॉलेज में फॉरम और रजिस्ट्रेशन होता है। द सिंगरौली इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग का भानुमती ब्रांच है और उसमें उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, फॉरम भरा गया, एडमिट कार्ड एक दिन पहले मिला, परीक्षा देने गए, परीक्षा का बहिष्कार कर दिए।